18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर एक दिन मम्मी आई। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गए। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी मम्मी कम और दोस्त ज्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कड़ी चावल और रात में डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी। मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं लॉयर बनूंगी मम्मी के लिए। ब्रांड So, Wigs wanted to do something extremely clutter-breaking. So, publicists came to me with the idea of having to have a eunuch story. And the idea that they had was, the daughter is sitting in a bus and the voiceover is going on. And maybe in some riots, you see that she's lost and then she's taken care of by this eunuch. So, to find an actual eunuch who would go through, because my condition to them was that I will not make this film if it is not an actual mother. So what you see is Gauri Sawant is here. And she runs an NGO with other eunuchs. And she works for AIDS awareness. She's a postgraduate. She's like us. She speaks very good English. She's very well read. She has grasped a lot of concepts. So that was what the client wanted, PNG wanted. So agency came up with this idea of having to show the inclusivity that जो माँ का प्यार होता है ना वो आप कहीं से भी आपको मिल सकता है। आपके रूममेट ने आपको कभी अगर आपको आपकी तबीयत खराब हो गई है एंड सुबह आपको
आपको किसी आपके बॉयफ्रेंड से मिलना है एंड यू वांट टू इम्प्रेस दैट बॉयफ्रेंड, आपके रूममेट ने आपके लिए शायद रात भर आपके लिए गर्म पानी बनाया होगा, बोला कि गागल करो और हेल्प यू भी एंड उसने जो है आपको मेकअप किया होगा, जैसे कि आपके पापा ने आपके लिए किया होगा कुछ, मे बी आपको कोई कॉम्पिटिशन, आपको कुछ फैंसी ड्रेस में कुछ करना है, आपके पापा ने आपकी ड्रेस सिलवाई होगी, आपके लिए बहुत बनवाया होगा, या फिर जैसे मैं कल डॉक्टर प्रेम के घर गया, उनके घर जो मिला इट वॉज समथिंग ऑफ मदरहुड एंड दैट मदरहुड डजंट कम ओनली फ्रॉम अ मदर, इट कैन कम फ्रॉम एनी पार्ट टू एनी पर्सन एंड दैट इज द इमोशन दैट यू आर ट्राइंग टू गेट इन दिस फिल्म, दैट एवरीबडी डिजर्व्स दैट टच ऑफ केयर इवन इफ इट वर टू बी ऑफर हुज रेज्ड बाय यू नाउ. तो उसके लिए हमने वी स्टार्टेड ऑफ मीटिंग एंड वी वेंट एंड मेट, सो वी आइडेंटिफाइड गौरी एंड वी वेंट टू हर स्लम, एकदम बहुत ही छोटे से स्लम में वो रहती है उसके 8 अदर यूनिट्स के साथ, वो लोग सब रहते हैं, शी स्टिल शी हर डॉटर डजंट स्टे विद हर बिकॉज इलीगली शी स्टिल कैन नॉट अडॉप्ट एंड शी डजंट हैव द राइट्स. तो वो उसके पास एक कुत्ता है जिससे वो कम्युनिकेट करती है, शी जेन्युइनली टॉक्स टू हिम एंड एंड शी हेट्स, उसका नाम विक्टर का कुछ नाम रखा था, शी डजंट लाइक हिम टू बी कॉल्ड एज डॉग, बोलती थी नो नो यू कांट कॉल दैट एंड उससे बात करती थी एंड दिस एट जो ग्रुप है ऑफ 8 यूनिट्स स्टेइंग टुगेदर दे आर वर्किंग फॉर एज अवेयरनेस एंड दे आर सेविंग टर्टल्स. द पीपल हु आर सो ओप्रेस्ड वो हमको बताते थे कैसे उनको रेल ट्रेन में नहीं चलने देते बिकॉज देयर इज नो कंपार्टमेंट फॉर देम, दे दे थ्रो ऑन अ ट्रेन बिकॉज देयर इज नो कंपार्टमेंट फॉर देम, दे कैन नॉट गो टू वॉशरूम बिकॉज देयर इज नो अदर availability for them. Those people who are so oppressed still have the kindness to show that they can actually save turtles. They've saved about some more than 1,000 turtles by now. I found that extremely fascinating. I wanted to bring that element into it that aapko care kahin se bhi aa sakti hai. To us cheez ko leke hum log ne start kiya, we started. Then I wrote the because it's a film, so I wrote a screenplay for it. Had to jaise screenplay nahi likha tha lekin maine likha tha iske liye. तो होता क्या है कि जब एजेंसी आती है तो एजेंसी के साथ मैंने बहुत देर जैम किया, देयर वर लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्क्रिप्ट दैट वर इट वाज ऑलरेडी पीएनजी के लिए बहुत ज्यादा ब्रेव स्टेप था बिकॉज दे वर चेंजिंग द एंटायर मार्केटिंग कैंपेन विच वाज देयर फॉर सो मेनी डिकेड्स एंड सडनली दे हैव टू कम अप विद अ सर्टेन कैंपेन विच इज टोटली इट कुड फेल मैसिवली. पीपल विल से कि यार ये क्या दिखा रहे हो, हमें मत दिखाओ ये सर बिकॉज दैट लॉट ऑफ पीपल हु आर बिगिंस, लॉट ऑफ पीपल हु आर who don't see them as you know human, so that वो लोग बोलेंगे ऐसा क्यों दिखा रहे हमको, it's a very 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 big risk. जैसे फिल्म में बहुत सारी चीज़ें थी that there was voice over about how there was a point where जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो रोड क्रॉस करते समय वो जो लड़की है वो हाथ पकड़ती है मम्मी का और वो गाड़ियों को रुकवाती है और वो चलती है, so the roles have reversed, she has become literally the mother and she has become the daughter because her age हो गई है. We go there and then go, there's a point where Gauri Samant actually does a signature that she's given the daughter. Matlab school mein dakhla ho gaya hai, matlab summer holidays the wapis I've got my daughter here. So she does a signature and I wanted to show that signature because such a big statement, but PNG was a little scared about it because she really took the cake away. They didn't want her to become even more bigger than the brand. But I said at I literally had so many arguments with them by saying that listen, please trust me that जो गौरी का emotion है वो sad to say but big से कहीं बड़ा है. I'm saying that go with it, don't be scared. आप गौरी को उसी तरह दिखाओ, गौरी को let her become the hero. आप उस अगर if your brand gets attached to that emotion, it will become a viral thing. If you want to make Vix bigger than Gauri and she happens to be incidental, it'll never fail. It'll become another ad. It won't go ahead. But for this, I took 3 months to actually convince them. I constantly used to have arguments. I wouldn't go down. We used to always have calls with PNG in Geneva, Indian client. Always used to have con calls. And publicists, mein bhi kya tha, jo copywriters ka idea tha, he was French.
and the head of the company had left India some 30 years back. तो एक तो मेरे को कल्चरली भी बहुत प्रॉब्लम होती थी इनको समझाने के लिए कि जैसे दे सेड दैट वी वांट टू शो एसटी बस जो लोकल लोड ट्रांसपोर्ट होती है तो मैंने बोला कि आप क्यों व्हाई डू वांट टू शो दैट साइड ऑफ इंडिया व्हिच डजंट एग्जिस्ट एनीमोर हमारे यहाँ पे हम लोग अभी वॉल्वो बसेस में ट्रैवल करते हैं मैंने बोला कि गौरी सावंत जिसकी आप बता रहे गौरी सावंत तो मैंने बोला आप कैसे जाते हो पूना आपकी डॉटर से मिलना तो मैंने बोला वॉल्वो इज ओके है वॉल्वो वो बकवास मेरे पास इतना शॉफर ड्रिवन कार है So I said, she herself is taking a car, she looks on my Volvo and you're saying, Volvo is too high end and unhone bola ki it looks so much like Greyhound. So, you know, please show a side of India that is true. Don't try to make it seem like, oh, bichare poor people, in class, gaadiyan, buses dekhe aisi hain, waisi hain. And I said that even in British Airways, pehle jo mere paas script aayi thi, usme ye likha tha ki ek Punjabi family hoga, usme usko English bilkul nahi aayegi dadi ko. और जैसे जाएंगे तो सब लोग उस पर उसे घर में उड़ पड़ेंगे ये ये लोग घी के पराठे खा लो ये खा लो वो खा लो और एंड में जब वो तो दादी उसको ना अपना कंगन देती है तो बेटी मतलब प्लीज लेट्स नॉट मेक इट लाइक यू नो वी आर दिस वेरी रिग्रेसिव 80s इंडिया वी आर ग्रुप वी आर डिफरेंट इंडिया एंड वो दादी को इंग्लिश आती है शी स्पीक्स वेल शी नोज शी ट्रैवल्ड सो शी नोज तो आप क्यों उसको पैट्रोनाइज मेक इट सीन लाइक दैट तो दैट वाज अ लॉन्ग कन्वर्सेशन राइस वो सब उन्होंने पूरा वो किया था उसके लिए रेड फ्लॉग बनवाई फिर उसके लिए चिप्स बनाए तो वो सारा देखते हैं सडनली आप देखते हैं कि उसकी जिंदगी में भी जैसे पहले आपने देखा कि विजुअल्स हम लोग कैसे दिखा रहे हैं कि ट्रेन दिखा रहे हैं बॉम्बे की फास्ट लाइफ दिखा रहे हैं और उसमें हम चौल दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं कि सड़कों पे बच्चे बेच रहे हैं वैसा वाली चीजें सडनली वी हैव दिस वेरी पिक्चर्स ग्रीन थिंग्स दैट वी शॉट इन पूना विच सिग्निफाइड अ चेंज A good time is coming in. So all this is subliminal brand building that we do. जो आपके conscious mind को नहीं affect करेगा और आपको आपके जहन में कहीं गया है आपके जहन में कहीं कहीं वो जा रहा है जैसे एक shot है जहाँ पे उसकी मम्मी उसको सुला रही है उसमें एक विक्स का बॉटल में रखा था ना वो आपको कॉन्शियस लेवल पर कभी रजिस्टर नहीं होगा बट आपने एक्चुअली रजिस्टर किया है आपके सबकॉन्शियस को रजिस्टर किया है दैट इज कॉल्ड सबलिमिनल मार्केटिंग Where your liminal space में नहीं होता है subliminal space तो यहाँ पे भी मैंने खाया खाना and basically so these were all my ideas and I said that you know listen let's not just do that कि voice over चल रहा है बच्ची बाहर देख रही है I said unless you show her inhabiting a space with the mother having those moments with her you were not going to attach with the mother at all इसके लिए मैंने उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी कि आप मैं उनको बोलता था कि नहीं लेट्स प्लीज ऐड दिस प्लीज लेट्स डू दिस बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक द स्टोरी स्ट्रॉन्गर यू विल नॉट फील फॉर इन द एंड इफ यू डोंट शो हर स्पेंडिंग टाइम विद हर डॉटर यू नो वॉचिंग अ हॉरर फिल्म एंड गेटिंग स्कैर्ड बिकॉज इट वॉज अ सबलिमिनल थिंग अबाउट हाउ शी इज दिस प्रोटेक्टिव फिगर इन हर वर्ल्ड हम लोग बात तो कर रहे हैं हॉरर फिल्म की लेकिन उसको मम्मी को अपना हाथ यूज करती है तो वो एंड विक्स ऑल्सो वॉन्टेड इमेजरी ऑफ हैंड्स एंड टच अलॉट इसीलिए फिर मैंने ये सारे सीन ज्यादा कि हॉरर फिल्म देखने में मम्मी का हाथ लेती है फिर तेल लगाने वाली बात वो सारे चीजें का एक वो एक विजुअल मोटिफ है अबाउट हैंड एंड फोर हेड इसीलिए मैंने ये सटली ऐड किए सारे फिर हमारा रिवील होता है उसको एंड वो भी रिवील में मतलब शी शुड लुक लाइक वेरी रिस्प्लेंडेंट एंड यू नो वो ऐसा था कि उसको देखते ही आपको हो जाए कि मतलब कितनी प्यारी है एंड ये वाला सीन मैंने बता रहा था आपको कि शी इज क्रॉसिंग अब वो रोड पे वो कर रही है वो था उन्होंने हाँ नहीं बोला एंड दिस वन आई वाज टेलिंग अबाउट हाउ शी मेक्स सिग्नेचर व्हिच इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट अ पावरफुल विजुअल इटसेल्फ बट इट वाज यूज्ड एनीवे तो बाद में वो प्रिंसिपल से बात करती है फिर वो जा रहे होते हैं फिर ये सारा देखिए जैसे ये सब स्क्रिप्टेड था कि वो चिढ़ाने वाला चीज करेगी बिकॉज उसमें मेरा था कि वो बच्ची को बोलने की सब ठीक है मैं हैप्पी हूँ बच्चे आप यहाँ जा रहे हो ना आई एम हैप्पी तो उन लोगों का एक आई थिंक वो एक उन लोगों का एक्सचेंज काउंसलिंग होता है कि उसको चिढ़ाने का वो चिढ़ाती है लेकिन मुड़ने के बाद शी कैन नॉट कंट्रोल एंड वो फूट पड़ती है लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं दिखानी चाहती कि वो हो गई तो वो एक फेक सा वो एक चिढ़ाने का कर रही है एंड दिस वॉज द लास्ट शॉट दैट वी शो फिर हम दिखाते हैं उनको कि मूड बोर्ड होता है मूड बोर्ड में होता क्या है कि You show what is going to be sort of the look and feel of the film so that the client can understand ki yaar
ऐसे तरीके का शूटिंग स्टाइल होगा, ऐसे कलर पैलेट रहेगा इसका, देखेंगे कि आप लॉट ऑफ सन फ्लेयर्स कमिंग है, इसलिए आप फिल्म में देखेंगे सन फ्लेयर्स हैं, सन फ्लेयर्स शो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ सन कमिंग, लॉट ऑफ ब्राइटनेस, लॉट ऑफ थ्रू द एली शॉट्स, और इसमें भी देखेंगे आपको एक लुक आएगी जो आपको दिखेगी हर पूरे फिल्म में ऐसी वाली ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट जैसा है कि ऐसा हम लोग दिखाएंगे, ऐसे कलर्स रहेंगे, ऐसे स्कीन, जैसे ये देखिए, जैसे हमने शूट भी किया था ऐसा वाला कि वो थ्रू द हाउस भी सी रहे सनलाइट, वो अपने बालों में तेल लगा रही है, वो सारे चिप्स खिला रहे वाला सीन, और ये मैं चाह रहा था कि मैंने खुद शूट किया था लेकिन वो हमने डाल नहीं पाए थे कि वो एक जो तार दिख रही है, तार से प्लास्टिक लगा हुआ था, वो प्लास्टिक छूटने की बहुत कोशिश करा था, तो वो मुझे अच्छा लगा था, राइट किया था। फिर लोकेशंस में अब मैं क्या करता हूँ, अपने एडिटर्स को ले आता हूँ, एंड व्हाट आई डू सॉर्ट ऑफ मेक देम एनैक्ट आउट व्हाइल इन द लोकेशन, टेक लाइक वो करुणा है, शी इज द फर्स्ट एडिटर, तो वो लोग वो सीन एनैक्ट कर रहे हैं, उनको वो स्टिल्स ले रहा हूँ कि ऐसे लोकेशन रहेगा, ये एक्चुअली सेट था, उसको मैंने क्रिएट किया था कि मजा आएगा, ये भी एक सेट था जिसमें हमने पूरा घर बनाया था, तो ऐसे ऐसे सीन शॉट्स रहेंगे, और एक ये एक्चुअल किचन था जिसको हमने पूरा किचन में कन्वर्ट किया था, ऐसी अबैंडेंड जगह थी, तो ये शायद वहाँ की, और ये वाला शॉट कि ये कॉरिडोर में ऐसा दिखेगा, ऐसे रहेगा, ये पूजा है जो वहाँ अपने असिस्टेंट जगह हैं, एंड ये प्रिंसिपल वाला शूट ऐसे होगा, एंड ये यहाँ पे हम लोग वो शूट करेंगे मुंबई रोड से शांति, जिसमें एक शॉट था लेकिन हम लोग शूट नहीं कर पाए ठीक से, एंड ये जो आपको दिख रहा है, तो इफ़ यू सीन द फिल्म अनदर सप्लीमेंटल थिंग दैट आई यूज द बर्ड एज अ मेटाफर टू टॉक अबाउट फ्रीडम, टॉक अबाउट दैट थिंग, यू सी दैट इन द फिल्म, यू सी जब एक बॉम्बे का सीफेस दिखते हैं, एक बर्ड जाती है, देन यू सी द बर्ड, नाउ ये पेंटिंग मुझे मैंने देखा रेकी के टाइम पे, आई लव दिस पेंटिंग, इट सिग्निफाइज द फिल्म सो मच, दैट दैट वॉज अ ग्राफिटी आर्टिस्ट हू मेड दिस इन धारावी, एंड शी इज होल्डिंग अ क्रो इन अ हैंड, नेक्स्ट शॉट में आप देखेंगे कि दैट अ बर्ड इज फ्लोइंग थ्रू अ बार्ब्ड वायर, so I specifically planned so that it seems like a story of the bird itself, वो एक barbed wire, मतलब condition जितनी खराब है उसमें से वो उड़ के चली जा रही है, वो हमने voice over डाला था कि 18 साल की थी मम्मी तभी उनको घर से निकाल दिया गया था, that signified that shot, तो ये सारी सप्लीमेंट चीज़ें हम लोग सोचते रहते हैं, लोनावला में शूट किया था उसका जो घर जाना वहाँ का स्कूल था, ये वहाँ से जो शॉट है किया था, इसमें मैंने दो तीन शॉट आईफोन पे मेरे लिए थे, मैंने वो भी डाल दिया, अभी ये प्रोडक्शन डिजाइन में होता है कि हम लोग ऐसे फिट करेंगे, ऐसे इसको शांति दिखाएंगे, यहाँ पे वो ड्रम्स रखे रहेंगे, ये सिग्निफाई करता है कि चॉल्स में ऐसे होता है, कपड़े सूखे होते हैं बाहर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो पॉजिटिव वाला था तो हम लोग दिखा रहे थे कैसे उसको दिखाएंगे, कलर्स हैं बहुत सारे, वो बहुत अच्छी डिटेलिंग की थी लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया था दिखाने के लिए, गौरी का घर ऐसे दिखेगा एकदम रियल, एंड वो चादर भी एकदम मिसमैच विद तकिया, वो एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, मतलब वो हर चीज़ वहाँ पे सोच ही रहेगी कि ऐसे रहेगा, फिर बोर्डिंग स्कूल में ऐसे दिखेगा कि प्रिंसिपल का कमरा पीछे व्हीकल होता है वो कौन सा, फिर कॉस्ट्यूम में ऐसे रहेगा, गौरी की साड़ियाँ ऐसे रहेंगी, लुक ऐसे रहेगा, उसकी नाइटी ऐसी रहेगी जो बहुत टिपिकल मिडिल क्लास बॉम्बे में ऐसा दिखता है, फिर वो उसकी साड़ी कैसी रहेगी, बिकॉज शी उसको साड़ी का बड़ा वो है गौरी को, तो वी वॉन्टेड टू शो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऐसा ऐसा करके साड़ी से, तो वे लॉट ऑफ ऑप्शन क्या आएगा, गायत्री जो छोटी वाली है उसका कैसे लुक रहेगा, तो वी वॉन्टेड हर टू बी लुकिंग बहुत ही मतलब चौल में बड़ी है, गहरी है, उसका पतला सा फ्रॉक पहनती है वो, फिर इसका जो रेड फ्रॉक होगा वो कैसे होगा, पहले एक्चुअली ट्राई करता था कि कैन यू मेक इट पिंक फ्रॉक, तो मैंने बोला नॉट डूइंग दैट पिंक फ्रॉक बिकॉज यू ट्राइंग टू स्टेरियोटाइप फ्रॉम इट इनटू अ पर्टिकुलर कलर, आई वोंट अलाउ दैट, तो फिर वही उसके गाय की जब बड़ी होती है उसके कपड़े कैसे रहेंगे, बिकॉज आई डिडंट वांट टू, बिकॉज एक वो धारणा होती है ना कि मिडिल क्लास है तो अरे सलवार कमीज चप्पल नहीं आएंगी कुछ नहीं है, बट ये लोग बॉम्बे में आके देखो चार्ल्स बिल्डिंग दे आर सो मॉडर्न, एंड आई वांटेड टू शो द सेम थिंग दैट दे वेयर दीज
you know, tights and, you know, t-shirts, and they are cool and they have all that thing. So I didn't want to make her seem like zabardasti ghettoization. Principal to kehne ke liye tha, another woman. I said, you are the role pe jyada usko maan liya tha. So ye humne usually actually aise prostitutes ko jaisa kiya tha. Ye jo वो मेरे को बहुत सही लगा था जीन्स पे एंड मेरी ज्वेलरी, बट वो उन्होंने अलाउ नहीं किया था. कास्ट में कहीं गौरी है, ये गायत्री के ऑप्शन दिखाते हैं. फिर हम लोग आपको ऑप्शन दिखाते हैं क्लाइंट की, फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है. फिर वो क्लाइंट वो फिर होता है, फिर एवरीबडी यूनैनिमसली एग्री ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस. लाइकवाइज फॉर द 15 ईयर ओल्ड, और दोनों को सिमिलर भी दिखना होता है. एनजीओ वुमन यू प्रिंसिपल विद अ शॉर्ट फिल्म बारह चौदह मिनट की है. हम